दोस्तों मिली है अमेरिका के रहने वाले फ्रैंक कैननबॉल रिचर्ड्स से। लोगों का कहना था कि इनका पेट लोहे का बना हुआ है। दरअसल रिचर्ड्स का पेट इतना मजबूत था कि वो अपने पेट पर मुक्का मारने की प्रतियोगिता रखते थे। सैकड़ों लोग मुक्का मारते मारते थक जाते, लेकिन मजाल है कि रिचर्ड्स को कोई फर्क पड़े। वो कई बार लोगों को अपने पेट पर कूदने के लिए कहते और कई बार अपने पेट पर हथौड़े से वार करवाते। आखिरकार फ्रैंक कैननबॉल रिचर्ड्स ने वो कारनामा कर दिखाया जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता। रिचर्ड्स एक बड़ी तोप के बिल्कुल सामने खड़े हो जाते हैं और सामने खड़े होकर 50 किलो वजनी तोप के गोले को अपने पेट पर चलवा देते हैं। इसके बाद जो होता है उसे देखकर सब लोग हैरान हो जाते हैं। तोप का गोला लगने से रिचर्ड्स गिर जरूर जाते हैं, लेकिन थोड़ी देर बाद उठकर फिर खड़े हो जाते हैं। दोस्तों फ्रैंक कैननबॉल रिचर्ड्स के लिए आपका एक लाइक तो बनता है।